माइक पे बोलते हैं, हमारी एक बात करती है, हमारी एक बात मार लीजिएगा तो मार लीजिए। हाँ चलिए स्टार्ट करें। तो लगातार देख रहे हैं हम, आपको दिखाना चाह रहे हैं, सामने देखिए राजभवन है, यानी राज्यपाल हाउस, गवर्नर हाउस है। यहाँ पे कांग्रेस के द्वारा राज्यपाल से मिलने के लिए यह लोग आए थे। इनका साफ तौर पे कहना है, जिस तरह से लगातार ईडी के द्वारा पूछताछ हो रही है, राहुल गांधी को लगातार बुलाएगा। इनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी से चाय कॉफी क्यों नहीं दिया गया, राहुल गांधी को बीजेपी वाले मारने की साजिश कर रहे हैं। मगर बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि यह लोग सिर्फ बीजेपी का कहना है कि सिर्फ रायता फैलाया जा रहा है और कुछ बड़ी बात नहीं है, ईडी अपना काम करे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थक है, क्योंकि लगातार यह लोग राजभवन पे आए हुए थे राज्यपाल से मिलने के लिए, पर इनको मिलने नहीं दिया गया। आइए लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ से आइए बताइए, क्या बोलना चाहिए? नालंदा बिहार से है, यूथ कांग्रेस का मैं पूर्व प्रभारी रहा हूँ, मैं राणा अजय सिंह। ये मोदी सरकार का मिशन 24 जो शुरुआत है, वो सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के छवि को खराब करके ये सत्ता में वापस आना चाहते हैं। ये गंदी साजिश है, ये मोदी जी का एक गंदी साजिश है। मिशन 24 चल रहा है, इसमें आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी का छवि खराब करके देश की सत्ता में फिर से दोबारा गद्दी में बैठना चाहते हैं। इन्हें जेल में डालकर ये सोचते हैं कि हम वापसी हो जाएगी हमारी। चलिए महिला कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। एक बार इधर बताइए, एक बार बताइए, क्या आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्यों आए आप लोग? पूरा देश सड़कों पे उतरा और आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि क्यों आए हैं सड़कों पे, बताइए। ये आपके ही इतिहास पे सवाल उठाया जाता है, जिसे बचाने के लिए राहुल गांधी, क्या इतिहास पे सवाल उठाया जाता है ये बताइए। नेशनल होडा नाम की एक कंपनी है जिसको आपके बारे में पता, जो आजादी से चलते आ रही है, जिसे आज बंद करने के लिए दबाव दिया जा रहा है, जिसे अंग्रेजों ने बंद करने की कोशिश की, आज भाजपा सरकार बंद करने के लिए ईडी पूछताछ कर रही थी, इसमें दिक्कत आप लोगों को क्या है? आपके 2018 में भी इस पे पूछताछ हुई थी, क्लीन चिट मिला था, बार बार परेशानी क्या, 3 दिनों से आप ऐसा क्या पूछ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए, पूरी दुनिया देखेगी कि आप क्या पूछ रहे हैं। तो आपके अगर बाप भाई को कोई परेशान करेगा तो आपको तकलीफ लगेगी, तो कांग्रेस पार्टी हमारी राहुल गांधी से पूछताछ हो रहा है इसीलिए तकलीफ है। अगर राहुल गांधी अगर इसमें निष्पक्ष है तो दिक्कत क्या है? तकलीफ अगर इस बात से होती तो हम भागे फिरते, हम तो जाकर जवाब दे रहे हैं। तकलीफ इस बात से नहीं है, तकलीफ इस बात से है कि आप लोकतंत्र की हत्या करेंगे, हम चुप बैठे, ये नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी से पूछताछ हो रहा है तो इसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है? आपके पास साबित क्या हो रहा है? आप अगर कानून अपना काम कर रही है, फेयर जजमेंट कर रहे हैं, अगर क्या बोल रहे हैं कानून, कानून और लोकतांत्रिक तरीका है ये नहीं है, संविधान है, आजकल उसको मटियामेट किया जा रहा है। आप चलाइएगा यहाँ, चला रहे, जो चला रहा है उसको अकल नहीं है। कैसे अकल नहीं है? इसलिए कि सारी व्यवस्था सब कोर्ट है, कचहरी है, पुलिस है, मतलब क्या है? तो कोर्ट कचहरी पुलिस है, पुलिस इसलिए नहीं है मिसयूज किया जाए, हाँ। कोर्ट इसलिए नहीं है गलत तरीके से पेश किया जाए, ये सब बताइए जी, बताइए बताइए जी, बोलिए क्या बोल रहे हैं? अरे इधर ही तो है बॉस, क्या अभी सब कोई घुस रहा है जबरदस्ती, सब अच्छे देखिए यही है यहाँ पर, यहाँ पर खड़े शांति तरीके से देखिए। अब इन लोगों को पुलिस के द्वारा हटाया जा रहा है, देख सकते हैं जिस तरह से पुलिस के द्वारा, बताइए इसी को कहते हैं लोडे पर जानते हैं, जो देखे कि जो मेरा अधिकार है यहाँ शांति से खड़े होकर के आपसे बात नहीं करना। राजभवन के सामने आप लोग इस तरह से खड़ा नहीं हो, पुलिस का कहना है यह जगह कुछ नहीं है, क्या कर रहा है कोई कर क्या रहा है? संविधान हमें अधिकार देता है, अच्छा संविधान अधिकार देता है, क्या बोलना चाहिए सर? इन लोगों का सर क्यों हटा रहे हैं सर? इन लोगों का सर यही तो देख लीजिए, फिर क्या देखिए क्या यहाँ पे यूज है, यही मोदी पुलिस को द्वारा आप लोगों को हटाया। देखिए यही तो है कि संविधान हमें अधिकार देता है यहाँ पर खड़े होकर के प्रोटेस्ट करने का। अगर आपको कुछ करना है आप FIR करिए, जेल में डालिए, लेकिन आप किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। उसी तरह से जब राहुल गांधी जी देश के नौजवानों के लिए, आम लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, कोरोना में पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, नोटबंदी हुआ, अर्थव्यवस्था रोड पर आ गई, जो मीडियम कैपिटल और स्मॉल कैपिटल के इंडस्ट्रीज थे बंद हो गए, बेरोजगारी चरम पर पड़ गया,
कोरोना के मार से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे, चीन हमारे बॉर्डर के अंदर तक घुस करके आ गया। यानी इसी आप मेरी बात सुनिए, ऐसी परिस्थिति में जब राहुल गांधी जी आम लोगों की जब आवाज उठाते हैं तो उनकी आवाज को दबाने के लिए, विपक्ष को दबाने के लिए उन पर ईडी से पूछताछ किया जाता है। कौन सी ऐसी पूछताछ कर रहे हैं जो आप 30 घंटे में आप पूछताछ, यानी राहुल गांधी से पूछताछ इसीलिए हो रहा है कि उनको दबाव डाला जाए। उनको दबाव डाला जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को डराने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये लोग शायद देश के इतिहास को नहीं जानते, भारत के आजादी के इतिहास को नहीं जानते, कांग्रेस के इतिहास को नहीं जानते कि जब इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से बाहर खदेड़ दिया तो ये लोग क्या हैं। शायद ये गांधी परिवार का इतिहास नहीं जानते, सर्वोच्च बलिदान दिया है इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, खुद सोनिया गांधी जी हो, ये परिवार ये सब। कल जो एक कांग्रेस का नेता का विवादित बयान आया कि नरेंद्र मोदी कुत्ते की मौत मरेगा, इस पे क्या कहना है? अरे देखिए क्यों आप घुमा फिरा करके, ये तो अभी तो मोदी जी जो एजेंडा सेट करना चाहते हैं उसमें मत फंसे। ये बयान सही है या गलत हम बस सीधे तौर पर लोकतंत्र में इस तरह का कोई भी बयान देता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन मुद्दे आज भी वही है, बेरोजगारी, महंगाई, आम जनता का विकास कैसे हो, जो इस विकास के दौर में पीछे छूट गए हो कैसे। आप युवा नेता है, आपकी बात से हम भी सहमत है कि आप भाषा की मर्यादा में रह के आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए, आप संविधानिक मर्यादा में रह के आप अपना प्रोटेस्ट कीजिए। लगातार कांग्रेस के नेता देखिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये लोग सो गए, थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस के नेता